भी शोर है, दिल्ली कैंट में भी शोर है, केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा नेता अशोक उदय देवराहा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली वालों को गुमराह करने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है। मालूम हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यकरण के मुद्दे को लेकर भाजपा लगातार अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। भाजपा लगातार प्रदर्शन कर विरोध जता रही है। इस प्रदर्शन में भाजपा नेता अशोक गोयल देवराहा भी शामिल हुए। इस दौरान अशोक गोयल देवराहा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। इसके अलावा भी कई नारे लगाए गए। इस दौरान अशोक गोयल देवराहा ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट, झूठा और देश व दिल्ली वालों को गुमराह करने वाला मुख्यमंत्री है। इनकी पार्टी पूरी तरह से जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। जो धरना है वो सुबह 11:45 से 5 बजे तक का है और दिल्ली के लोग हिसाब मांगने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना हिसाब नहीं देंगे, अपने राजमहल के दर्शन नहीं कराएंगे, ये दिल्ली की जनता जाने वाले नहीं है। और आज भी 5 बजे तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहीं पर रहने वाला है। मैं आह्वान करता हूँ मुख्यमंत्री को कि अपने मंत्रियों को यहाँ पर भेजें, संजय सिंह को यहाँ पर भेजें, सौरभ भारद्वाज को यहाँ पर भेजें और अपने अनपढ़ विधायक नरेश बालियान को भी यहाँ पर भेजें कि ये जो धरना है वो 5 बजे तक यहाँ पर जारी रहेगा और दिल्ली की जनता जो हिसाब मांगने के लिए यहाँ पर आई है वो हिसाब मांगेगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री, हिसाब तुम्हें देना रुपए अपने शीश महल के ऊपर लगाने में व्यस्त है। मित्रों, आज ये दिल्ली की जनता हिसाब मांगने के लिए यहाँ पर आई है। अभी आज सुबह आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के मंत्री जो दिल्ली सरकार में मंत्री है सौरभ भारद्वाज और उनके विधायक नरेश बालियान ने ट्वीट किया है। वो इस धरने से इतना घबराए हुए हैं, उन्होंने कहा यह धरना समाप्त हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी का धरना समाप्त हो गया है। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को कि एक बार अपने घर के बाहर निकलकर यहां पर आकर देखें। ये जो चौथी पांच राजा की कहानी सुनाते थे वो चौथी पांच राजा कोई और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। मित्रों, नरेश बालियान ने कहा बीजेपी का जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल वाला जो धरना है वो समाप्त हो गया है। मैं बताना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, मैं बताना चाहता हूं अपने शीश महल के अंदर खर्च किए कोरोना काल के समय, जिस समय दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जिस समय लोग एक एक बेड के लिए तरस रहे थे, जिस समय लोग रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए, एक एक इंजेक्शन के लिए तरस रहे थे, जिस वक्त लोग सड़कों पर दवाई लेने के लिए भटक रहे थे, जिस समय लोग डॉक्टरों के घर जाकर अपनी जान की गुहार लगा रहे थे, जिस समय लोग ऑक्सीजन के सिलेंडरों के लिए तरस रहे थे, उस वक्त ये दिल्ली के मालिक, उस वक्त ये दिल्ली के खास आदमी। मित्रों, आज के इस धरने में हमारे दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्ष, हमारी बहन, पूर्व विधायक, पूर्व दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन बरखा शुक्ला सिंह जी, हमारे करोलबाग जिले के महामंत्री गुरमीत कोहली जी,
और यहाँ पर उपस्थित सभी करोलबाग जिले के मंडल अध्यक्ष माता की भारत माता की भारत माता की केजरीवाल होश में आओ केजरीवाल होश में आओ 45 करोड़ का हिसाब दो 45 करोड़ का हिसाब दो हिसाब तुम्हें देना होगा हिसाब तुम्हें देना होगा केजरीवाल इस्तीफा दो इस्तीफा तुम्हें देना होगा जेल तुम्हें जाना होगा जेल तुम्हें जाना होगा अब तो ये स्पष्ट है 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 गली गली में शोर है चोर है भाई चोर है चोर है भाई चोर है गली गली में शोर है सिविल लाइन्स में भी शोर है करोलबाग में भी शोर है राजेंद्र नगर में भी शोर है ये स्पष्ट है अब तो ये स्पष्ट है गली गली में शोर है चोर है भाई चोर है पूरे भारत में शोर है पंजाब में भी शोर है सिविल लाइन में भी शोर है राजेंद्र नगर में भी शोर है करोलबाग में भी शोर है पटेल नगर में भी शोर है मोती नगर में भी शोर है दिल्ली कैंट में भी शोर है चोर है भाई चोर है केजरीवाल इस्तीफा दो केजरीवाल डाउन डाउन केजरीवाल डाउन डाउन केजरीवाल डाउन डाउन राजमहल के दर्शन कराओ गरीब जनता को दर्शन कराओ महल के हमें भी मजे दिलाओ केजरीवाल इस्तीफा दो केजरीवाल इस्तीफा दो केजरीवाल इस्तीफा दो केजरीवाल इस्तीफा दो सभी भारतीय जनता पार्टी के भाई और बहनों मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं और मैं ये चेतावनी देता हूं संजय सिंह जी को चेतावनी देना चाहता हूं सौरभ भारद्वाज जी को और चेतावनी देना चाहता हूं नरेश बाल्यान को कि ये जो हमारा धरना है वो लगातार जारी रहेगा और अगर किसी के अंदर हिम्मत है तो इस धरने में आकर बैठे हमारे साथ और दिल्ली के मुख्यमंत्री से हिसाब मांगे और मैं इसी कड़ी में अब आगे हमारी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष है कमलीन जी उनसे आग्रह करूंगा वो आए और हम सबको संबोधित करें हिसाब तुम्हें दिल्ली की जनता दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको माफ नहीं करने वाली हर रोज एक नया घोटाला हर रोज आप लोग चाहे वो डीटीसी घोटाला हो दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला हो शराब घोटाला हो लेबर सेस का घोटाला हो कितने घोटालों को आपने अंजाम दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री लेकिन ये जो आपने इस घोटाले को अंजाम दिया जब आप 100 रुपए की चप्पल 500 रुपए की ढीली ढाली शर्ट और 150 रुपए का मफलर पहनकर दिल्ली की भोली भाली जनता को आपने बेवकूफ बनाने की कोशिश की अभी भी वो आपकी छोटी वैगन आर लोगों को याद है अभी भी ने कहा था मेरे लिए 4-5 कमरों की जरूरत नहीं है एक ही कमरा मेरे लिए काफी है आज दिल्ली की जनता ये सब देख रही कि आपने लाखों रुपए के जो पर्दे लगाए अपने आप को ढकने के लिए उसके बावजूद भी आप नंगे हो चुके हो दिल्ली के मुख्यमंत्री नंगे हो चुके हो जो 5 करोड़ रुपए का
मार्बल अपने घर में लगाया आपने, 4-4 लाख रुपए की कमोड की जो सीट आपने घर पर लगाई, आपने जो 10 लाख रुपए में 4-4 लाख रुपए का जो टीवी खरीदा, वो दिल्ली की जनता जान चुकी। अपने घर के ऊपर सिक्योरिटी के ऊपर बाग बगीचे की रखवानी के लिए जो 50-50 लोग आपने रखे हैं, उसको लेकर दिल्ली की जनता जान चुकी है। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हमारे बीच आ चुके हैं, हम लोग इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष बहन बरका शुक्ला सिंह जी, राजन तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता वीरेंद्र बब्बर जी, किशोर कुमार जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।